बिल्कुल स्पष्ट है कि लड़ाई अब तो बहुत नजदीक आ गई है और बहुत तेज है। इस समय पूरे देश में आर्थिक संकट, जबरदस्त महंगाई, बेरोजगारी, लोगों के सामने रोजगार का संकट, लोगों के सामने आवास का संकट, और इसके साथ साथ पूरे संविधान पर जबरदस्त हमला, तो इसके खिलाफ हमें तैयार होना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब सबसे भ्रष्ट सरकार के रूप में भी साबित होने लगी है। जो सीएजी की रिपोर्ट आई है, इस सीएजी रिपोर्ट में काफी भ्रष्टाचार का खुलासा किया है, और अदानी प्रकरण को लेकर के कि किस तरह से अदानी ने इस पूरे जिसको कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, यानी देश में किसी कंपनी को कानूनी ढंग से चलाने के लिए जो भी नियम कानून है उसका बिल्कुल उल्लंघन करते हुए सरकार की मदद से अपने पूरे शेयर का दाम बढ़ाने का काम किया, और जबरदस्त रूप से संपत्ति इकट्ठा करके खुद को एक बड़े पैमाने पर विश्व स्तर पर एक बड़े पूंजीपति के रूप में साबित किया। ये बात अब खुल करके सामने आ गई। जिस तरह से संविधान के बारे में आप खुल करके अंबेडकर के संविधान को अंग्रेजों के संविधान बताने की कोशिश की जा रही है, इस पर एक जबरदस्त राष्ट्रीय स्तर पर अभियान की आवश्यकता है। और जिस तरह से परिस्थिति की ये मांग है कि देश में देश को बचाने के लिए, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश की आजादी को बरकरार रखने के लिए जिस तरह का एक आपदा ये मोदी सरकार ने देश के ऊपर थोपा है, जिस आफत काल से, जिसको अमृत काल कहा जा रहा है, वो आफत काल है इस देश के लिए, तो एक ऐसे आपदा के दौर में देश को बचाने के लिए बर्बादी से एक जबरदस्त संकल्प की जरूरत है, संघर्ष की जरूरत है। जो समाज में जिस तरह के नफरत का, हिंसा का माहौल बना है, जो मणिपुर में लगातार चल रहा है, हरियाणा में जो हिंसा का दौर हमने देखा, मुजफ्फरनगर में जिस तरह से क्लासरूम में बच्चों के बीच में नफरत फैलाने की कोशिश हमने देखी, ये बहुत ही खतरनाक दौर है। और इस खतरनाक दौर में लोकतंत्र के लिए, भारत के गंगा जमुनी तहजीब के लिए, देश को बचाने के लिए सबको मिलकर के काम करना होगा।